हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो गाइस, आज है संडे और आज का दिन ही मतलब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि जो हमारा एक बाइक था, हमने एक साल पहले जो ख़रीदा था गाइस, तो गाइस आज रात मतलब मैं गया था एक शादी में, 10 बजे के आसपास मैं गया था। और आने के बाद मैं आज का टाइम हो गया था आपका 12 बज गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं घर आ गया था। तो गाइस, मैं घर के अंदर बाइक को घुसा के मतलब मैं लॉक करके रख दिया था। मैं और मेरा भैया गए थे, ठीक है, मेरा भैया का बाइक है। तो गाइस मतलब मैं और मेरा भैया जाके आ चुके थे, इसके बाद हम लोग सो गए थे गाइस। और तो गाइस सुबह मेरा भैया बोल रहा था बाइक किधर है, बाइक नहीं मिल रहा है। मैंने बोला बाइक तो मैंने लॉक करके रखा हुआ है घर के अंदर, चेक जाके देखो। तो गाइस घर के अंदर जाके देखा कि बाइक नहीं है, चाबी मेरे पास ही है। तो गाइस अभी पता चला कि हमारा मतलब जो हमारा गांव है, इस गांव से 2 बाइक मिसिंग है। तो गाइस मुझे ये चीज़ का बुरा लग रहा है कि हम लोगों ने इतना मेहनत मतलब मैंने हम लोगों ने नहीं मेरा भैया ने इतना मेहनत करके भाई एक बाइक खरीदा हुआ था एक साल पहले, एक साल सिर्फ 2 महीना हुआ गाइस। मैं आप लोगों को क्लिप वगैरह दिखा दूंगा इस साइड में। तो गाइस ये बाइक लेते हुए सिर्फ एक साल 2 महीना हुआ, और मुझे इस चीज़ का दुख है कि हमारा इंडिया में अभी गाइस बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब चोरी वगैरह हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैं आप लोगों को से ये क्या ही बताऊं कि मेरा भैया का कितना मेहनत का पैसा था। इस वीडियो से मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग ध्यान रखना ये चीज़ का, क्योंकि आजकल जमाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों का खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते। जैसे कि हमारा एक खुशी था कि हमारा बाइक लेके हम लोग शिलोंग भी गए थे, बहुत बहुत दूर का ट्रिप किया थे। कोई शिलोंग हम लोग 4 बार गए थे, मेरा भैया 4 बार गया था, मैं भी 3 बार गया था बाइक से। तो वैसे अरुणाचल भी मैंने विजिट किया था बाइक लेके, मैंने ब्लॉग भी शूट किया हुआ है गाइस। मुझे इस चीज़ का दुख है कि लोग मतलब लोगों का खुशी के लिए मतलब किसी को भी मतलब हर्ट कर सकते। और मैं आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों का बाइक को थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि आजकल ज़माना अच्छा नहीं है गाइस। ऊंचाई में जैसा कंडीशन है, मेरा होम टाउन है गाइस ऊंचाई और स्टेट है आसाम। इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि हमारा पास एक ही बाइक था, हमारे घर में एक ही बाइक था, अपाची आरटीआर 164। तो गाइस मैं मतलब आप लोगों से क्या ही बोलूं कि लोगों मतलब हमारा बाइक लेके वो लोग खुशी कर रहे हैं, हमको दुख पहुँचा के वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। और ऑल आर इंडियन, हम लोग सब इंडियन हैं, तो ऐसा करने का ज़रूरत ही क्या है गाइस। ये इतना बड़ा देश है, काम काज करके खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो चोरी करके किसी को हार्म पहुँचा के मतलब क्या ही फ़ायदा मिलेगा, आप लोग बताइए मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं आप लोग बताना, और मैं पे भी करूँगा कि आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके साथ होगा तब पता चलेगा कि कैसा लगता है दिल को। इतना प्यार से हम लोगों ने बाइक को एक साल, आप लोगों को नहीं लगेगा कि ये बाइक एक साल हो गया, इतना मैंने नहीं मेरा भैया ने इतना मेंटेन करके रखा हुआ था बाइक को, मतलब क्या ही बोलूं। और मैं गाइस अभी पता चल रहा है धीरे धीरे करके हमारा हुजाई में सिर्फ हमारा बाइक नहीं चोरी हुआ, इससे पहले मेरे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास 7 बाइक एक दिन के अंदर चोरी हो गया। तो गाइस ये जितना दिन जा रहा है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना दिन बढ़ रहा है जा रहा है इतना केस और भी हो रहा है गाइस। मैं इस वीडियो से कोई भी मतलब मुझे पता है जो भी देख रहा है, इन लोगों को मैं गोडी मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आपका बाइक को जितना भी हो सकता है इतना सिक्योर करके रखिए, घर के अंदर रखिए। तो बाइक का नहीं है गाइस, बाइक का नाम छोड़िए, आपके पास जो भी बाइक है गाइस आपको मेहनत का पैसा से कमाते हैं गाइस, ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। तो गाइस मैं मतलब इंस्टाग्राम में जाके मतलब स्टोरी वगैरह पोस्ट किया था, बहुत लोगों ने मुझे मतलब पॉजिटिव कमेंट किया, भाई टेंशन मत ले मिल जाएगा। तो गाइस देखते हैं, अभी किस्मत के ऊपर सब कुछ है। तो गाइस आप लोग भी पे कीजिए कि हमारा बाइक मिल जाए, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और
आप लोग पता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना बहुत ही मुश्किल है। जो भी चीज़ खरीदते हैं हम लोग शौक से खरीदते नहीं हैं, हम लोग दिल लगा के खरीदते हैं गाइस, कि ये चीज़ हमारे साथ रहे। तो गाइस वही चीज़ मुझे बुरा लग रहा है मेरा भाई। तो गाइस आप लोग, मैं आप लोगों को पहला नंबर बता देता हूँ, हमेशा आप लोग बाइक को हैंडल लग करके, आप लोग मत समझ जाना कि हैंडल लॉक नहीं तोड़ सकता। तो गाइस सब हमेशा आप लोग डिसलॉक और हैंडल लॉक लगा के रखना। हमारा एक ही मिस्टेक था कि मैं डिसलॉक नहीं लगाया था। सब मतलब सब कुछ बाइक को वॉशिंग करना, मेंटेन करना, मेंटेन नहीं एक्चुअली, मतलब जो छोटा छोटा काम है वो मैं ही करता हूँ, और जो जो बड़ा बड़ा काम है जैसे सर्विसिंग, कुछ डैमेज हो गया बाइक का, वो सब मेरा भैया करता है, क्योंकि मेरा भैया का बाइक है। और तो गाइस मैं आप लोगों से तीन चीज़ बताऊँगा, आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग बाइक को लॉक लगा के रखना, प्लस आप लोग जिधर भी रख रहे हो गाइस थोड़ा सा सेफ जगह में रखना गाइस, खाली जगह में मत रखना। तीन नंबर चीज़, दो नंबर चीज़ गाइस, आप लोगों को बाइक में GPS आप लोग लगा देना, क्योंकि अभी ज़माना ख़राब है गाइस, GPS ओनली 2000 में मिल जाएगा आप लोगों का चढ़ी GPS लगा देना। तीन नंबर चीज़ है गाइस, आप लोगों का बाइक को घर के अंदर घुसा के रखना, बाहर मत रखना, क्योंकि अभी ज़माना ख़राब है गाइस। और मैं मुझे बुरा लग रहा है, दिल से बता रहा हूँ, माँ कसम मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बाइक हमारा बहुत ही क्लोज था गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, और हम लोगों ने बहुत सारा राइड भी किया था गाइस। तो गाइस आप लोगों से यही निवेदन है, अगर किसी को ये बाइक दिखता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट मिल गया तो गाइस सब कुछ पॉसिबल है, और देखते हैं क्या होता है गाइस। अभी तो फिलहाल मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, और गाइस बहुत दिन से कंटेंट नहीं आ रहा है गाइस, इसलिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ गाइस आप लोग।